नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, या हो देश के अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति की आवाज। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं वो खबर जिसका सीधा सरोकार होता है आपसे। महाराष्ट्र के भंडारा जिले के सीहोर में सरकारी धान खरीद केंद्र कर्मचारियों किसान के साथ हो रही बदसलूकी। यहाँ माजी सभापति कलाम शेख से एक कर्मचारी ने शराब पीकर गाली गलौज करी और आपत्तिजनक शब्द कहे। वहीं आपको बता दें कि यहाँ 1.5 महीने से किसानों के धान का वजन नहीं हुआ है। यहाँ काफ़ी सारी असुविधाएं हैं। व्यवस्था नहीं होने से कई धान नीचे गिरकर सड़ रहे हैं, जिसका खामियाजा यहाँ के किसानों को भुगतना पड़ रहा है, जिससे यहाँ के किसान बहुत ही चिंतित दिखाई दे रहे हैं। रोज आ रहा है, इसका धान खरीदी में उसका पूरा धान खराब हो गया और इसको पता है कल के काटा बंद है और इसके सामने काटा कर रहे हैं लोगों ने। दूसरे 10वें और 11वें महीने के भी बिल पेंडिंग है लोगों के, 10वें और 11वें। हाँ, उनके उनको बिल नहीं। एक महीना पूर्व मैंने मेरे खेत में पकाया हुआ धान इस आधारभूत केंद्र पर बिक्री के लिए लाया है। तकरीबन एक महीना से मेरे धानों का काटा नहीं हो रहा था। कल मैंने फिर से इस राइस मिल के जो अध्यक्ष है गंगादास जी तुरकर, इनको फ़ोन लगाया, बोला कि भाऊ काटा हुआ नहीं है, काटा चालू ही क्या? तो उन्होंने बोला कि नहीं, आज इतवार है, आज काटा बंद है। फिर एक राइस मिल का कर्मचारी मिला, मैंने उनसे पूछा कि काटा चालू है क्या? तो उसने बोला हाँ काटा चालू है। फिर मैं उसका देखने के लिए आया कि सही में काटा चालू है या बंद है। देखा तो यहाँ पर कुछ किसानों का या कुछ व्यापारियों का माल गिनना चालू था। मैंने अध्यक्ष और मैनेजर के मामले में बोला कि भाई मैनेजर और अध्यक्ष कहाँ आया? एक तरफ मुझे बोला कि वो काटा बंद है और अभी दूसरी तरफ काटा चालू है। तो मुझे स्वाभाविक है, मुझे गुस्सा आया, मैंने कुछ बोला। तो यहाँ का एक कर्मचारी है, जो कर्मचारी यहाँ पर दिन भर दारू पीकर पड़े हुए रहते हैं,